फरीदकोट विखे हर साल बाबा फरीद जी की याद में एक मेला कराया जाता जिस कई तरह के समागम होंगे ने जो कि इस बार 19 सितंबर तो लैके 23 सितंबर तक चलना है जिसको लैके तैयारियां मुकम्मल कर ली गई ने। खास रिपोर्ट देखो। बाबा फरीद जी के आगमन पुरब नूं लैके तैयारियां शुरू हो चुकियां ने। इस मौके ते फरीदकोट च कई प्रोग्रामां दा आयोजन किया जाता है। टिल्ला बाबा फरीद जी च मत्था टेकन लई वड्डी संख्या च श्रद्धालु पहुंचदे ने। बाबा जी दे चरण छोह प्राप्त इस शहर च बाबा फरीद साहब उस समय आए सन जदों लाहौर जांदे समय ओह कुछ समय लई इस स्थान ते रुके सन, पर एक राजपूत राजा जिस दे सिपाहियां ने बाबा जी नूं फड़ लिया ते उन्हां तों मजदूरी कराउण लगे, पर जदों उन्हां नूं मिट्टी दे भरे टोकरे चकाए गए तां मिट्टी दा टोकरा उन्हां दे सिर तों कई हत्थ उपर दिखाई देण लग्या। इस दी खबर जदों राजे नूं लगी तां उसने सैनिकां वल्लों बाबा जी तों माफी मंगी। बाबा जी ने जद फरीदकोट च राजे तों किले बनाउण दे कारण बारे पुछया तां राजे ने कहा कि उसदा शहर वसदा नहीं है। तां बाबा जी ने राजे नूं शहर दा नां बदलण दी ताकीद कीती, जिस तो बाद राजे ने बाबा जी की याद च इस जगह का नाम फरीदकोट रखा। बारहवीं सदी में जो बाबा फरीद जी दिल्ली तो लाहौर में जा रहे थे सन तो उस समय वो फरीदकोट के शहर में ठहरे सन। उस समय इस शहर का नाम फरीदकोट नहीं सी, मुकल हर सी, अते राजे का नाम सी मुकल सी, वो एक पट्टी राजपूत सी। जदों बाबा फरीद जी फरीदकोट आए तो नेड़े ही एक किला बन रहा सी। उस किले की उसारी में राजे के सिपाहियों ने उन्होंने बेगार बिना मजदूरी तो पकड़ के उन्होंने सिर पर गारे वाली टोकरी चुकवा दी। जदों वो टोकरी सवा हाथ उची उन्होंने सिर पर पहुंची तो राजे ने जदों इस गल का पता लग्या तो राजे ने आके उन्होंने माफ़ी मंगी कि तुम कौन हो, तुम कोई सूफी संत फकीर लगते हो। तो राजे ने उन्होंने दसिया कि मैं बाबा फरीद हाँ तो मैं लाहौर चलिया हाँ। तो राजे ने उन्होंने माफ़ी मंगी और कहा कि मैं एक किले का निर्माण कर रहा हाँ, मैं माफ़ी मांगता हाँ कि तुहानू मेरे सिपाहियों ने जोड़ा मजदूरी में पकड़ लिया। तो बाबा फरीद जी ने पूछा तुम एडा वा किला क्यों बना रहे हो, इसकी की लोड़ पै गई। तो राजे ने कहा कि मेरा शहर वसदा नहीं, इसलिए उन्होंने इस शहर में वसाउण लई बाबा फरीद जी तो कुछ मंगया। तो बाबा फरीद जी ने कहा कि इस शहर का नाम बदल दो। तो बाबा फरीद जी की गल सुनते हुए बाबा फरीद जी की याद में राजे मुकल सी ने मुकल हर तो इस शहर का नाम बदल के फरीदकोट रख दिता। इस पावन जगह से वो स्थान भी है जिथे बाबा जी ने मिट्टी नाल भरे हाथ साफ किए सन। इस पावन स्थान के दर्शनों लई वड्डी गिनती च श्रद्धालु पुजदे ने। बाबा जी दे दरबार च आउण वाले श्रद्धालुआं दे मन दी हर मुराद पूरी हुंदी है। इस स्थान ते हर जाति धर्म दे लोग वड्डी संख्या च पहुंच के नतमस्तक हुंदे ने ते बाबा जी दा आशीर्वाद लैंदे ने। इस बार बाबा जी दे आगमन पुरब नूं लै के नगर कीर्तन 19 सितंबर तों शुरू हो रहा है जिस च वड्डी गिनती च लोकां दे पहुंचण दी उम्मीद है। बाबा फरीद 12वीं सदी च इत्थे आए 23 सितंबर नूं आउण ते अज उस तों बाद मैं 45 साल हो गए बाबा फरीद जी दा जण फरीद गुलाम बन गया और मैं उन्हां दे स्थानां ते सेवा संभाल 1969 25 सितंबर नूं असीं 70 तों बाबा जी दा दिन मनाउण लग पए। आउण दा दिन यानी जिसनूं असीं बाबा फरीद आगमन पुरब कहने, लोग इहनूं कहिंदे बाबा जी दा बर्थडे है, ये बर्थडे नहीं है, ये वो दिन है जिस दिन बाबा फरीद जी फरीदकोट आए। बाबा जी दे आगमन पुरब तो पहला फरीदकोट च विरासती मेले की शुरुआत हो चुकी है जिस च पंजाब दे सभ्याचार नूं दर्शाउंदियां झलकियां वेखण नूं मिल रहियां ने। किते फुलकारियां ते कढ़ाई कढ़दियां कुड़ियां ते किते दुध रिड़कदियां, पुराने समयां च औरतां किवें चक्की चलाउंदियां ते पित्तल दे बर्तनां दी प्रदर्शनी समेत पंजाबी सभ्याचार दा हर रंग तुहानूं इस विरासती मेले च वेखण नूं मिल जाएगा। इत्थे ही बस नहीं, इस विरासती मेले च निहंग सिंघां ने भी अपने जौहर दिखाए ते इस दे नाल ही लोक कलाकारां ने भी अलग अलग वनगियां पेश करके अपने हुनर दा वरगड़ावा कीता। बाबा फरीद जी दे आगमन पुरब नूं लै के श्रद्धालुआं दा उत्साह वेखदिआं ही बन रहा है। हालांकि यह मेला 19 सितंबर तों शुरू हो रहा है
पर इस तो पहला ही बड़ी गिनती च श्रद्धालु इस स्थान ते पहुंचना शुरू हो चुके ने। फरीदकोट तो सूरज प्रकाश की रिपोर्ट MH1 न्यूज़ लई।